हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैगाचाम। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप जानते होंगे, रक्षाबंधन का फेस्टिवल आने वाला है ना। आप सभी ने भी ज़रूर ना कुछ शॉपिंग करी होगी रक्षाबंधन के लिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ड्रेस जो मैंने अपनी सिस्टर के लिए डिज़ाइन किया फॉर दिस रक्षाबंधन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। ये जो ड्रेस है वो मैंने ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में बनाई है, और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक में मुझे ज़रूर ट्राई करना था, तो इस बार मैंने ट्राई कर लिया है। बिकॉज़ ऑर्गेन्जा ऑर्गेन्जा एवरीवेयर, ऑर्गेन्जा सब जगह, ऑर्गेन्जा काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। सो ये है वो लहंगा जो मैंने इससे स्कर्ट बनाई है। सिंपल सी मैंने अम्ब्रेला स्कर्ट बनाई है, बिकॉज ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में फ्लो होता है, मतलब ये फुली फुली रहती है। इसमें ना आपको किसी कैनकेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन गो विथ कैनकेन अगर आपको इसको ज़ोर ज़्यादा हैवी लुक देना है। बट मुझे इसका सिंपल लुक चाहिए था, बिकॉज जस्ट बिकॉज रक्षाबंधन में पहना है, जस्ट बिकॉज आई डोंट एडिड एनी कैन कैन। सो इसमें है ये इस तरीके के मैंने लटकन बनाए हैं, टैसल्स बनाए हैं फैब्रिक के। जैसे कि आप पता है इन दिनों ये फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं टैसल्स, और हमेशा ही अच्छे लगेंगे भी, और आपको ऐसे बनाने भी चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेट आर्टिफिशियल्स वन विच वी बाय फ्रॉम मार्केट, बिकॉज उनका कलर काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाता है एंड दिस लुक्स मोर क्लासी देन डैट। सो इसकी लाइनिंग मैंने अंदर से लगाई है सिंपल सी सैंतून की लाइनिंग, जो 50 रुपीज़ हमें मीटर का फैब्रिक मिलता है, 50 to 60 रुपीज़। तो मैं इसमें आपको प्रॉपरली नहीं दिखा पा रहा हूँ स्कर्ट कैसी है, पर बहुत ज़्यादा फेयर है गाइस। और इसका फैब्रिक में जो प्रिंट है वो फ्लावर प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये इसमें ना शाइन भी है फैब्रिक में। तो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ मैंने कंट्रास्ट में बनाया है। ये वाला जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन है, ऑफकोर्स ये आपने कई बार देखा होगा, मतलब कई बार क्या, हर जगह आपने आजकल देखा ही होगा। तो मैंने बोला मैं भी क्यों ना ये ट्राई करूँ। ये एक बार मैंने स्कर्ट में बनाया था, स्कर्ट मतलब जो पूरी स्कर्ट होती है ना, उसमें मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए बनाया था, उसमें ट्राई किया था। एंड दिस टाइम आई हैव ट्राइड इन दिस ब्लाउज़। ये मैंने वन लेयर में बनाया है, आप चाहें तो डबल लेयर भी लगा सकते हैं, बट मैंने सोचा कि ज़्यादा ओवर नहीं करना है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा ही ओवर ओवर लगेगा। सो ये मैंने इस तरीके का बनाया है, सिंपल सा ब्लाउज़ है। पीछे से इसमें इस तरीके के टैसल्स हैं। इन टैसल्स की वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा ब्लाउज़। पीछे से पूरा बैकलेस है, और जहाँ पे मैंने डोरी दी है ना, वहाँ पे मैंने एक हुक भी लगाया है, जस्ट बिकॉज डोरी का कोई भरोसा नहीं है अगर खुल जाए, बट हुक ऐसा है कि बिल्कुल परफेक्टली रहेगा। तो ये है इसके साथ का पेयर, और इसमें मैं आपके साथ ज़रूर रक्षाबंधन के दिन मेकअप लुक शेयर करूँगा। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है देखने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।